कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मध्य प्रदेश के खरगोन में, जहां पेट्रोल के महंगे रेट से तंग आकर बाइक पर ऐसा जुगाड़ किया जा रहा है कि वो अब घरेलू गैस से दौड़ रही है। इससे ये फायदा हो रहा है कि एक किलो घरेलू गैस पर बाइक 90 किलोमीटर तक चल रही है। 3 किलो की गैसकेट बाइक की डिग्गी में फिट कराकर एक दिन में 250 किलोमीटर से अधिक सफर तय करने की ये तकनीक युवाओं को बहुत भा रही है। कई युवा तेजी से अपनी बाइक में डिग्गी लगवाकर उसमें 3 किलो का गैस सिलेंडर भरवाकर महंगे पेट्रोल से राहत पा रहे हैं। इस जुगाड़ से गैसकेट में ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, मात्र 3 से 4 हजार में गैसकेट लग जाती है। और फिर एक बार 3 किलो रिफिलिंग कराने के बाद 250 किलोमीटर तक बाइक दौड़ा सकते हैं। खरगोन जिला मुख्यालय के बिस्टान रोड स्थित मैकेनिक अजर खान की छोटी सी गुमटी में गैसकेट लगवाने वालों की भारी भीड़ लग रही है। मैकेनिक आजम खान का कहना है कि पेट्रोल 1 लीटर 108 रुपए में आता है, गैसकेट से 70 रुपए की गैस में 80 से 90 किलोमीटर बाइक चल जाती है, और पेट्रोल 1 लीटर डलवाते हैं तो 50 किलोमीटर चलती है। इस पर खर्चा 3,500 से 4,000 रुपए का आता है। 3 किलो 2.5 किलो और 3.5 किलो की भी टंकी आती है। गाड़ी चलेगी तो गैस चालू हो जाएगी और बंद होगी तो ऑटोमेटिक गैस बंद हो जाएगी। इसमें पेट्रोल और गैस कनेक्शन दोनों है। गैस खत्म हो जाए तो पेट्रोल से गाड़ी चला सकते हैं, इससे नुकसान कुछ नहीं। गैसकेट कंपनी से आया है और हमने यहाँ उसे लगा दिया है। ऑटोमोबाइल संचालक निजामुद्दीन शेख का कहना है कि पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, इसलिए पब्लिक का ध्यान गैसकेट की ओर जा रहा है। 70 रुपए की गैस में 80 से 90 किलोमीटर चल जाती है, खर्चा 2.5 से 3 हजार रुपए का आता है, और लोग गैस से गाड़ी चलाना पसंद कर रहे हैं। खरगोन में इलेक्ट्रिक बाइक की डिमांड बढ़ती जा रही है। मेरे भतीजे ने भी ये गैसकेट लगवाई है। उसने बताया है कि एवरेज भी अच्छा मिल रहा है और खर्चा भी कम हो गया है।